ये सवेरे सवेरे बर्तन लगाने का शौक कितों चढ़ गया? करो ता माड़े ना करो ता माड़े। सुबह सुबह काम करवाने का मन करा, बर्तन धोके गई है। मेरा मन करा काम करने का तो मैंने कर लिया। अच्छी बात है ना, रोज रोज कराया करो रोज। आज ये देखो तैयार हो रहा है, किस लिए? क्योंकि घर पे शूट है, इसकी टीम आई हुई है, लेकिन इसने मेरे को नहीं बताया कि मेरी आज शूट है। देखो खाने के ऊपर मैंने अच्छी इंक छपी हुई है, इसको मैं खा रहा हूँ तो इंक छपी हुई है, तो इंक अंदर जा रही है। और क्या, तो वो प्लास्टिक उस पे लगा उससे लग गया तो क्या? वैसे प्लास्टिक के ऊपर होती है ये, इसमें कैसे आ गई पता नहीं। उसके साथ साथ तेरे भी मैन्युफैक्चरिंग डेट छप जाएगी। अच्छा समझ गया, ठीक है। टीम के बंदे आने शुरू हो गए हैं। टीम? हाँ। मॉपी टीम कब से होगी? मॉपी टीम क्रिएटिव मैनेजर है। आए आए क्रिएटिव मैनेजर, और इधर इसके भी आए हुए हैं बंदे, पूरे टीम आई हुई है। ये देखो छोटी वाला अक्षय कुमार है, और इसने मेरे को बिल्कुल नहीं बताया था कि कोई घर पे आने वाला है। सरप्राइज। वो तो लकीली मैंने आज 4 सब्जियां बनाई हुई हैं, पता नहीं क्यों इंट्यूशन हो रही थी शायद, 4 सब्जियां बनाई हैं, आलू गोभी, और मेरे पास दही भी पड़ा है। मटर मशरूम पनीर बना लिया, और इधर मैंने टींडे बनाए हैं, और यहाँ पे भिंडी भी काट के रखी थी, क्योंकि आपको पता ही है हमारे घर का हाल, सब अलग अलग खाते हैं, सबकी अलग अलग चॉइस है, तो इसलिए सबकी चॉइस की अलग अलग सब्जी बनी है, तो अब मुश्किल नहीं होने वाली मेरे को, अब मैं बनाती हूँ खाना, इनको खिलाती हूँ सबको। 20 minutes later. तो खाना सबका हो गया, मैंने सोचा खाने के बाद जूस सर्व कर देती हूँ। जूस? लीची जूस? नहीं, आई नो यू वॉन्ट ओनली कॉफी, नॉट फॉर यू। तूने कुछ नहीं? A few moments later. अरे मम्मी जो है ना हमारी, ये पीछे पड़ गई है मेरे, ये बोल रही है कि चैनल का नाम चेंज करके दो, ये बोल रही है चैनल का नाम करो मल्हान फैमिली व्लॉग्स। मैं कह रहा हूँ अच्छा खासा है, चैनल का नाम क्यों बदलना है? कह रही है नहीं, लोगों को डिम्पल्स किचन से लगता है कि ये अभी भी कुकिंग वाला चैनल है, जबकि ये व्लॉग का चैनल हो चुका है। इधर उधर घूम रही है मम्मी, अब जब मैं जो ये बात जो है मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई है, बार बार बोलती रहती है मेरे को मल्हान फैमिली व्लॉग्स कर, मल्हान फैमिली व्लॉग्स कर, तो आई एम अगेंस्ट दिस, बट ये मान नहीं रही है, अब क्या करना है बताओ। मल्हान फैमिली व्लॉग्स कर लेते हैं, मैंने तो फैमिली व्लॉग्स आते हैं। मैंने बोला कि डिम्पल्स किचन चलो ठीक है, अगर नहीं भी करना तो डिम्पल मल्हान कर दो चैनल का नाम, या डिम्पल मल्हान व्लॉग्स कर लो। वो कह रही है नहीं मल्हान फैमिली व्लॉग्स करो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, ये तो पीछे पड़ गई हैं। मैंने कहा मतलब तो क्या हो गया, मतलब आपके चैनल पे नाम है तो आपके नाम पे चैनल स्टार्ट हुआ था तो उसी नाम पे रहना चाहिए। पापा आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? डिम्पल व्लॉग्स। डिम्पल व्लॉग्स ये थोड़ा अलग बोल रहे हैं, आई थिंक डिम्पल व्लॉग्स से बेटर डिम्पल मल्हान व्लॉग्स लगेगा। अब्बू तू क्या कह रहा है, चैनल का नाम क्या रखना चाहिए? नहीं अभी बता जलपरी। हाँ जलपरी, तो गाइज आई थिंक अब से चैनल का नाम जलपरी है। नहीं बट मैं आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो डालने से पहले आपको चैनल का नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पता क्या होगा, जो भी आप बोल दोगे कि मैं अपने चैनल का ये नाम रखने का सोच रही हूँ, उस नाम का कोई और चैनल पहले कोई खोल देगा फेक। ये होता है यूट्यूब पे, कोई फेक खोल देगा उस नाम का, और फिर वो बोलेगा कि ये आप रियल हो, आपकी वीडियोस अपलोड कर देंगे। ऐसे बहुत होते हैं ऐसे काम, ऐसे स्कैम मत करना, तो नाम चेंज मत ही करो। तो गाइज आप बताओ कि नाम चेंज होना चाहिए कि यही चलना चाहिए? किचन की जगह व्लॉग्स कर सकते हैं, पापा का भी आइडिया सही है, डिम्पल व्लॉग्स सही है, डिम्पल मल्हान व्लॉग्स, आई थिंक मल्हान फैमिली व्लॉग्स नहीं, डिम्पल मल्हान। चलिए आज आपको मैं दिखाती हूँ हमारे किचन गार्डन में मैंने सर्दियों की कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई हुई हैं। पालक कितनी बड़ी हो गई है, अभी ये माली भैया काट रहे हैं, ये इतनी सारी पालक, और धनिया की तो इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, पुदीना, और यहाँ पे मैंने ना ब्रोकली के बीज डलवाए थे और ये पौध तैयार हो गई है। इसमें अभी वैसे ब्रोकली आई नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं ये, और यहाँ पे
ये रेड शिमला मिर्च, इस पे भी काफी बीज आए हुए हैं। इनके साथ साथ ना फ्रूट्स भी लगे हैं, ये देखो अमरूद, ये एक छोटा सा अमरूद एकदम पक चुका है और ये टूट गया पक के। ये अनार तो काफी बड़ा हो गया, नींबू अभी बहुत छोटे हैं, ये देखो ये इतने छोटे अमरूद भी बहुत ज़्यादा मीठे हैं। नींबू का पता क्या सीन है, जब नींबू गर्मियों में बहुत महंगा होता है ना, तब इस पे ना बहुत बड़े बड़े नींबू आते हैं और बहुत ज़्यादा नींबू आते हैं। अब सर्दी है ना, थोड़ा सस्ता हो गया नींबू, तो थोड़ी सी नींबू की पैदावार कम हो गई है। बात यह है कि जब हमें नींबू चाहिए होते हैं ना, तब तो इस पे बहुत नींबू आते हैं। आजकल सर्दी है, ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, तो नींबू के पेड़ को भी पता है कि इनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए बहुत कम नींबू है। लेकिन ये अमरूद बहुत ही मीठा है, मज़ा आ गया। Later that night. ये देखना, मल्लन साहब अभी नहा के गए हैं और पाउडर देखो, ऐसे लग रहा है जैसे पाउडर से ही नहाए हैं। और अगर यही चीज मैंने करी होती ना, हाँ। तो अभी आप मेरे को मार मार के मेरे घर से बाहर निकाल देते। तूने कभी पाउडर डालना ही नहीं। डाल ये पापा डालते हैं या नोनू डालते? पापा तो पाउडर ऐसे डालते हैं जैसे कसम से पाउडर से नहाए आप, हाल तो पाउडर वाला ही लग रहा है, पूरा डिब्बा ही पलट लिया। और देखो पाँव पे भी पाउडर, और पूरा पाउडर ही पाउडर हुआ पड़ा है, बताओ सारा चीटा चीटा कर दिया है, सारा टॉवल का हाल देखो। इसे अब सुबह धो देना। हो गई तेरी शूट डन, कपड़े कोई और पहन के गया था, नीचे पहन के कोई और आया है, वो लेकर आया था शूट के लिए, अच्छे लगे तो पहने रखी। अब कॉफी मिला दो इसी बात पे, इसमें कॉफी में चीनी मत डालना बिल्कुल भी, चीनी बंद है आज से। फिर तेरे को पसंद नहीं आती? कोई नहीं, मैं अच्छी नहीं बनी कॉफी, एकदम फीकी कौड़ी सी पी जाऊंगा, पर चीनी बंद, बाहर का खाना बंद, बाहर जाना बंद, सब कुछ बंद। ये कैसे हुआ? बस हो गया, सांस लेना भी बंद, आज के बाद सब बंद, जिससे मोटापा होता है, मैं तो सांस लेता हूँ तो उससे मोटा हो जाता हूँ, तो अब से सब बंद है। आजकल तेरा ना मतलब वर्कआउट, समझ गया हाँ ठीक है, सब बंद है आज के बाद, वर्कआउट करो।